तो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए चलिए देख देते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा अच्छा न्यूज़। दोस्तों, आज का पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है एप्पल के बारे में। एप्पल 12 प्रो जो होने वाला है एप्पल का नेक्स्ट स्मार्टफोन, उसमें एप्पल आपको प्रोवाइड करेगा 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। सो गाइस, आज का जो दूसरा न्यूज़ है वो निकल के आ रहा है गूगल की तरफ से। एरिक स्मिथ जो गूगल के फॉर्मर CEO थे 2001 साल से, जिसने गूगल को एक टेक जायंट का खिताब दिया था, वो अभी गूगल को छोड़ गए। गाइस, आज का तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल के आ रहा है वो है टेस्ला मोटर्स की तरफ से। एलोन मस्क का ये फेमस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर अभी है कैलिफोर्निया में, वो COVID-19 की वजह से वहां से ट्रांसफ़र होके टेक्सास और नेवाडा में होने वाला है। आज का फोर्थ न्यूज़ है मर्सिडीज़ बेंच मेक MBUX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक इवन मोर प्रोएक्टिव वे, और भी बेहतरीन और एक्यूरेट तरीके से डिस्टेंस कंट्रोल व्हीकल फंक्शन और ऐसे ही अनोखे चेस कार्स बना सकते हैं। आज का फिफ्थ न्यूज़ निकल के आ रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से। रिक और मॉर्टी जो एक पॉपुलर शो है, उसका सीजन 4 रिलीज होगा नेटफ्लिक्स इंडिया में। आज का जो सिक्स न्यूज़ है वो आ रहा है MI के सब ब्रांड पोको की तरफ से। ये सुनाई में दे रहा है कि पोको F1 एंड पोको X2 के बाद में और एक न्यू सीरीज को पोको लॉन्च करने वाला है पोको M के नाम से। अगला न्यूज़ है जियो के तरफ से। जियो ने 11,367 करोड़ इन्वेस्ट किया है US बेस्ड PE फर्म्स विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। आखिरी न्यूज़ है गेमर्स लोगों के लिए। फोर्टनाइट ने क्रॉस किया है 350 मिलियन रजिस्टर्ड प्लेयर्स, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। सो गाइस, यही था आज के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टेक अपडेट्स। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम लेंगे विदा आज के वीडियो से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी ऑलवेज।